जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, वो है टाइप्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखिए, काफ़ी एस्पिरेंट जो है उनके मुझे मैसेज आए थे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो उनकी जो टाइप है वो समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उस पर मैं सेपरेट वीडियो लेकर आता हूँ। हालांकि मैंने इससे पहले इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बल्कि वो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, उसके साथ साथ जो भी एक्सप्लेनेशन है वो चल रहा है, तो मैंने खुद उसमें एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इस वीडियो में मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है उसके टाइप क्या है और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मैसेज कर सकते हो। और अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी खोला है, तो उस पर भी वीडियो अपडेट्स, उसी के साथ साथ जो इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर कर दिया करता हूँ, तो उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, जो डेमोक्रेसी है वो कौन से टाइप के होते हैं। पहला तो होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क होता है? तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता ऐसा है कि जो भी लोग हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करते हैं। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री है उन्हें अगर किसी भी तरीके का बिल लेकर आना है या फिर लॉ लेकर आना है, तो वो हर इंसान से अगर पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, तो इसमें तो काफ़ी वक्त निकल जाएगा। मतलब 5 साल की सरकार जो है वो उसी में चली जाएगी कि कौन सा लॉ लाना चाहिए, उसमें कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए, इसी में पूरा टाइम निकल जाएगा और लॉ आएगा नहीं। और उसी के साथ साथ डाइवर्सिटी जो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है, तो जो ओपिनियंस है वो बहुत ज़्यादा निकल सकते हैं, तो एक बिल पर सबकी सहमति बनना बहुत मुश्किल होता है। वहीं अगर एक पर्टिकुलर कोई रीजन है उसमें से अगर उन सब का एक रिप्रेजेंटेटिव हम खड़ा करते हैं और ये जो इंसान रहेगा ये इनकी वॉइस रहेगा, ये बताएगा कि यहाँ पर जो लोग हैं इनका ये कल्चर है, इन्हें इस तरीके की चीज़ें चाहिए जिससे कि इनका डेवलपमेंट हो सके, तो यहाँ पर मतलब क्या होने वाला है कि जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना ओपिनियन नहीं देने वाले हैं, वो सिर्फ इन्हें बताने वाले हैं कि हमारी चीज़ें कौन समझ सकता है, तो ये इंसान समझ सकता है, इसलिए हम इसे रिप्रेजेंटेटिव हमारा खड़ा कर रहे हैं, फिर ये पार्लियामेंट में जाके हमारी जो राय है, हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेंगे या फिर जो पार्लियामेंट है उनके सामने रखेंगे, जिससे कि हमारे हितकारी बिल पार्लियामेंट में पास होंगे और हमारे लिए जो डेवलपमेंट चाहिए वो लेकर आएंगे। तो ये होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ पर चलती है। हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर एक जो मेंबर होता है उसे इलेक्ट करके देते हैं, और फिर वो जो मेंबर हमें जिसे इलेक्ट करके देते हैं वो आगे जाकर अपनी जो ओपिनियंस है वो बताता है जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी आती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, डायरेक्टली जो जनता है उनसे पूछा जाता है या फिर डायरेक्टली जो जनता है वो इन्वॉल्व होती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो तो हम पूरा पॉलिटी जो हमारे लेक्चर से उसमें देख ही रहे हैं, हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ही आती है, तो उसे हम अच्छी तरीके समझ रहे हैं और समझे भी है, काफ़ी वीडियोज़ जो है मैंने अपलोड किए हैं, तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो में मैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसकी जो टाइप है वो मैं आपको बताऊँगा। जब सरकार, कई ऐसे वक्त आते हैं जहाँ पर उन्हें डायरेक्ट ओपिनियन लेना होता है जो जनता है उनका, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो काम करती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कब कब काम करती है और किस तरीके से काम करती है वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, उसका सबसे पहला उदाहरण है रेफरेंडम। अब रेफरेंडम जो है ये आपने पिछले 2 सालों से कई बार सुना होगा, क्योंकि जो बीआर एग्जिट है वहाँ पर रेफरेंडम जो है उसका सहारा लिया गया है, उसी के साथ साथ जो स्पेन है वहाँ पर भी रेफरेंडम का सहारा लिया गया है। तो रेफरेंडम में होता क्या है, ये एक प्रोसीजर है जहाँ पर जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है वो रेफर किया जाता है इलेक्टोरेट को। मतलब यहाँ पर इलेक्टोरेट कौन है, तो वहाँ का जो सिटीजन्स है, वहाँ की जो जनता है वो इलेक्टोरेट है, तो उन्हें ये जो लेजिस्लेशन है वो प्रपोज किया जाता है, उनसे ये पूछा जाता है कि आप बताइए इस पर क्या करना चाहिए, और डायरेक्ट वोट यहाँ पर लिए जाते हैं सीधे जनता से। अब देखिए, अगर कोई भी बिल हमारे पार्लियामेंट में आता है, भले वो ट्रिपल तलाक का हो या कोई भी हो, वहाँ पर हमसे जो वोट्स है वो मांगे जाते हैं क्या कि ये बिल पर आपकी क्या राय है, आपको वोट करना है, इस तरीके से नहीं होता है। वहाँ पर हमने जिसे रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया है, मतलब जो MPs है वो वहाँ पर उस बिल पर वोट करते हैं हमारे बिहाफ में। लेकिन यहाँ पर रेफरेंडम में क्या होता है, डायरेक्ट वोट लिए जाते हैं जनता से। मतलब अगर ट्रिपल तलाक का बिल आया है तो वहाँ पर डायरेक्टली हमसे पूछा जाएगा, हमसे वोट मांगा जाएगा कि यहाँ पर आपको ट्रिपल तलाक के बारे में आपको क्या कहना है, पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पर वोट करेंगे। ये होता है रेफरेंडम। मतलब जैसे यहाँ पर बोला गया है कि शुड बी बैन अल्कोहल, तो अल्कोहल जो है उसे बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो डायरेक्ट जो लोग हैं उनसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर जो जनता है वो खुद वोट करेगी। तो यहाँ पर जैसे मेजोरिटी जो है वो बोल रही है हाँ होना चाहिए, और यहाँ पर सिंगल इंसान बोल रहा है नहीं होना चाहिए, तो मेजोरिटी क्या कर रही है, होना चाहिए, तो यहाँ पर अल्कोहल जो है वो बैन किया जाएगा।
तो इस तरीके से रेफरेंडम जो है वो काम करता है। जैसे हमने बीआर एग्जिट के बारे में देखा था कि वहां पर जो जनता है उनसे वोट मांगे गए थे कि हमें वहां से निकलना चाहिए यूरोपियन यूनियन में से या नहीं निकलना चाहिए, और ज़्यादातर लोगों ने बोला था कि निकलना चाहिए। लेकिन देखिए, रेफरेंडम में प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं। जैसे जब यूके का जब रेफरेंडम लिया गया था, उसके कुछ दिनों बाद ही जब जनता से पूछा गया था कि आपने किस पर वोट किया था, निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, तो काफ़ी ऐसी जनता थी जिन्हें पता भी नहीं था कि उन्होंने वोट किसे किया है, निकलना चाहिए उसे किया है या नहीं निकलना चाहिए उसे किया है। तो इस तरीके की चीज़ें आती है रेफरेंडम में, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लेकिन जब भी जो पार्लियामेंट है उन्हें ऐसा लगता है कि हमें सीधे जनता से राय मांगनी चाहिए, तो वहाँ पर रेफरेंडम लिया जाता है और सीधी जनता जो है वो वोट करती है रेफरेंडम में। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्लेबिसाइट। अब प्लेबिसाइट में क्या होता है, जो लोग हैं उनका ओपिनियन मांगा जाता है किसी पब्लिक इशू पर। अब देखिए, रेफरेंडम में भी हमने यही देखा था कि जो लोग हैं वो सीधे तरीके से वोट करते हैं, प्लेबिसाइट में भी वही होता है। लेकिन प्लेबिसाइट में मोस्टली जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे हमने लास्ट रेफरेंडम में देखा था कि वहाँ पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स नहीं थे, अल्कोहल बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसी के साथ साथ ट्रिपल तलाक जो है वो लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। लेकिन प्लेबिसाइट जो है वो स्पेशली टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है उसके लिए मांगा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि शुड कश्मीर बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, इस तरीके के जो रेफरेंडम होते हैं उसे हम प्लेबिसाइट कहते हैं। इसे टेक्निकली नाम दिया गया है प्लेबिसाइट का। तो यहाँ पर भी होता वही है, जो लोग हैं उनका ओपिनियन लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और जो लोग हैं वो वोट करते हैं। और यहाँ पर पर्टिकुलरली होता ऐसा है कि वो रीजन के जो लोग हैं वो मोस्ट प्रोबेबली वोट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वही करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वहाँ के रीजन के जो लोग हैं वो वोट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर बोला गया है कि शुड कश्मीर बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर सभी लोगों ने कहा है कि हाँ होना ही चाहिए। उसमें से एक तो कहते हैं कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर अब मेजोरिटी जो है उन्होंने कहा है कि कश्मीर भारत का पार्ट रहना चाहिए, तो यहाँ पर कश्मीर जो है भारत का पार्ट रहेगा। जैसे आपको याद होगा, जब कश्मीर जो है उन्हें जब शामिल किया गया था भारत में, तब ये भी कहा गया था कि जब ये मसला जो है पूरा हल हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो पाकिस्तान वहाँ पर हमला कर रहा है, जब पाकिस्तान को हम भगा देंगे, धूल चटा देंगे, उसके बाद हम प्लेबिसाइट करेंगे कि कश्मीर को भारत का पार्ट रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। आपने सुना होगा इस तरीके की बात हुई थी, लेकिन प्लेबिसाइट जो है वो नहीं लिया गया था, और भारत का आज कश्मीर जो है वो ताज है। तो जब भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में पब्लिक ओपिनियन मांगा जाता है तो उसे हम प्लेबिसाइट कहते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव का मतलब क्या है, कुछ इनिशिएट करना। अब इनिशिएट क्या करना है, तो ऑब्वियस है कि अगर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो जो भी बिल है वो इनिशिएट करना, मतलब जो भी लॉ लेकर आना है उस चीज़ को इनिशिएट करना, उसे इनिशिएटिव कहते हैं। मतलब इनिशिएट कौन करता है, बिल कौन लेकर आता है, तो हमने पार्लियामेंट चैप्टर में देखा है कि प्राइवेट मेंबर बिल होता है और गवर्नमेंट बिल होता है। गवर्नमेंट बिल का मतलब क्या होता है, सरकार में जो है अगर वो बिल लेकर आते हैं, मतलब मिनिस्टर अगर बिल लेकर आते हैं तो वो कहलाता है गवर्नमेंट बिल। अगर कोई प्राइवेट मेंबर, मतलब जिसकी सरकार नहीं है, प्राइवेट मेंबर है, एमपी है, वो अगर बिल लेकर आता है तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो यहाँ पर जो एमपी है वो बिल लेकर आ सकते हैं, हम यहाँ पर बिल लेकर नहीं जा सकते हैं कि हमें ये जो रेगुलेशंस है वो चाहिए तो आप ये बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश करो। इस तरीके से नहीं हो सकता है, आप या मैं नहीं जा सकते हैं बिल पेश करने के लिए पार्लियामेंट में, वो एमपी जो है वही पेश करेंगे। लेकिन इनिशिएटिव में क्या होता है, जो आम जनता है वो यहाँ पर इनिशिएट कर सकती है, वो यहाँ पर बिल जो है वो पेश कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर अंबानी साहब जो है वो बोल रहे हैं कि जियो वालों को सब्सिडी मिले, इस तरीके का बिल मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करो। तो यहाँ पर जो अंबानी साहब है वो एमपी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अगर पार्लियामेंट में बिल पास करते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो उसे हम इनिशिएटिव कहेंगे। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो पीपल है वो प्रपोज करते हैं बिल लेजिस्लेचर में। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मतलब क्या है, सीधे तरीके से जो आम इंसान है वो जाकर पार्लियामेंट में बिल पेश कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। इसे हम इनिशिएटिव कहते हैं, इनिशिएट हो रही है यहाँ पर चीज़, मतलब जो आम जनता है वो इनिशिएट कर रहे हैं कुछ तो भी जो उन्हें चाहिए। लेकिन देखिए, इसका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हर एक इंसान अगर उसके हिसाब से बिल इनिशिएट करने लग जाएगा तो कितने सारे बिल पार्लियामेंट में हो जाएंगे, अलग अलग प्रकार के वहाँ पर बिल होंगे। कुछ बिल तो ऐसे होंगे जो सीधे तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे रहेंगे जो उसके विरुद्ध में केस करेंगे। जैसे कि अभी 10% जो रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, तो जैसे ही ये बिल पास हुआ वैसे ही ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने स्टे तो नहीं लगाया है इस चीज़ पर, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस पर चर्चा करेंगे और फिर डिसीजन जो है इसका हम बाद में देंगे। उन्होंने सीधे तरीके से इस चीज़ को खारिज नहीं किया है कि नहीं ये जो चीज़ है ये बिल्कुल सही है, मतलब अभी भी ये कोर्ट के कटघरे में चीज़ आती है 10% रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है उसे। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इनिशिएटिव में आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है रिकॉल। अब रिकॉल में क्या होता है,
वोटर, उन्होंने जो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया है, रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, उसे वो बुला सकते हैं वापस, उसे वो कॉल कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं कि भैया तुमसे ना हो पाएगा। जैसे यहाँ पर ये बोल रही है इनसे होता ही नहीं है, तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर जो वोटर है, क्योंकि हमने देखा है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो खड़ा करते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव अगर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, जिस चीज़ के लिए हमने उसे रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, अगर वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसका टेन्योर कितना होता है? उसका टेन्योर नॉर्मली होता है 5 सालों का, लेकिन उससे पहले ही हम उसे बुला लेते हैं कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, तुम वापस आ जाओ, तो उसे हम कहते हैं रिकॉल। इसका मतलब है कि इस इंसान को, ये जो यहाँ पर मंत्री बने बैठे हैं, इन्हें हमने हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बनाया था वोट देकर, लेकिन जिस चीज़ के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, हमारे हित की बात ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ आवाज़ ही नहीं निकाल रहे हैं, पार्लियामेंट जैसी आती है वैसी शांत हो जाते हैं, ट्विटर पे तो बहुत बोलते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें अगर होती है, अगर जनता को लगता है कि नहीं ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अगर वो बोलते हैं कि भैया तुमसे ना हो पाने वाला है, आ जाओ यहाँ पर, अब तुम्हें हम रिकॉल कर रहे हैं, फिर से बुला ले रहे हैं, तुम्हारा एक्सपायरेशन जो था वो बाद में होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही हम तुम्हें बुला रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रिकॉल। इसमें भी ये प्रॉब्लम आती है कि कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान हो तो उस पर डिपेंड करता है, उसे अगर लगेगा कि नहीं ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो इसे बुला लो, रिकॉल कर दो, तो इस तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है। इससे जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसका सक्सेस होना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए काफ़ी कंट्रीज जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है उसे अपनाती है, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी कभी कभार कोई कोई इंसिडेंट्स में सिर्फ वो ऑपरेट करती है। तो ये थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टाइप। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।